नेक्स्ट में चलते हैं कोपारो। कोपारो इज कोकोनट बेस्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट, 70 लाख फॉर 1% इक्विटी। अमन गुप्ता और विनीता ने पैसा डाला है कोपारो में। कोपारो देखें भाई करती क्या है ये कोपारो। कोपारो इज अ कोकोनट बेस्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट। इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली कोकोनट का जो खस होता है वहां से, अच्छे ये ऑलरेडी पैसे उठाए इन्होंने और भी जगहों से पैसे, 4P कैपिटल ने भी पैसे डाले हैं इसमें। D2C होम केयर ब्रांड कोपारो। ब्रांड हैज सिक्योर्ड 70 लाख ऑन शार्क टैंक। ओके वी ट्राइड 10 लाख कंज्यूमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे ये, ठीक है। द रिटेलर क्लोज लास्ट ईयर 5 CR, इस साल 50 CR, ठीक है, मेक सेंस। प्रोडक्ट क्या है आपके, सारे के सारे कोकोनट बेस्ड है इनके। माइक्रो फाइबर डस्टर, स्पंजेस, वाइप्स, बैग्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा इंटरेस्टिंग। लेकिन ये मार्केट में कमोडिटाइजेशन नहीं है क्या, लगता है इसमें ब्रांड बनता है क्या, या फिर इसमें ब्रांड बनने की अपॉर्चुनिटी है, जैसे लाइजॉल है या फिर डोमेक्स है। दीज आर ब्रांड्स विच आर, जो मतलब आदमी वही ब्रांड जाके उठाता है, आई थिंक उसी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ये, क्या लगता है, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस। They can make brand. I think, yeah, I mean, this thing, it is used by everyone, right? They can make brand. Just the thing is that the pricing, I mean, again, India is a price sensitive market. So they have two options, right? They can start with a premium thing, make their brand, and then of course add more SKUs to like for the मेरा masses, right? मेरा इसमें देखो क्या टेक है, ये टेक्निकली एक ना D2C ब्रांड तो ठीक है, बट ये एक FMCG ब्रांड भी है, ठीक है। सो दे विल बी कंपीटिंग विद अ लॉट ऑफ दीज, क्या नाम है इसका, रैकेट बैकेंजर के प्रोडक्ट्स एंड एंड इनके प्रोडक्ट्स एंड ऑल। और इसमें ना यू हैव टू डू अ मेजर ATL फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। आपको TV एड्स रन करने पड़ेंगे 6-6 10-10 करोड़ के, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग मेजर अवेयरनेस। एंड देन आपको या तो आप ATL राउट पे जाओ जहां पे कस्टमर ही बोले मेरे को कि भाई मेरे को कोपारो खरीदना है, या फिर आप जो आपके रिटेलर्स हैं, जो मान लो ऑनलाइन ब्रांड है तो वहां पे आपने प्रमोट कर दिया, या फिर आपका जो ऑफलाइन ब्रांड है वहां पे आप ट्रेड ट्रेड पे ये कर रहे हो, यहाँ पे आपको किकबैक्स और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। वेर द कस्टमर, वेर द रिटेलर देमसेल्व पुश द प्रोडक्ट सेइंग कि सर ये ले लो, ये नया आया मार्केट में, ट्राई करके देखना, ठीक है। देर इज नो अदर वे ऑफ मेकिंग श्योर। और अगेन आई थिंक आई एम श्योर कि इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा, तभी तो 5 करोड़ का धंधा किया है इन लोगों ने पहले साल में। तो आई नीड टू सी दीज पीपल द फाउंडर्स बैकग्राउंड एज वेल, कि इन लोगों ने पहले क्या किया है। बट क्या टेक है तेरा इसमें आकाश, संध्या, मृदुल, एनीबॉडी ऑफ यू वांट टू चिप पिच इन। I think it's an interesting thing if you're making sustainable things. इस सस्टेनेबल मेरा D2C पर्सनल ब्रांड तो टेक इस, ठीक है यार। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, सस्टेनेबल D2C ब्रांड है. आई मीन पीपल इन इंडिया आर गेटिंग मोर कॉन्शियस. आई मीन काफी लोग वेस्ट को एव करते हैं, एंड हाइजीन को काफी, हाइजीन की तरफ काफी फोकस बढ़ रहा है लोगों का. तो उस केस में पर्सनल हाइजीन जो ब्रांड स्पेसिफिकली सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करे, आई थिंक इनका फ्यूचर काफी अच्छा है. बस इनका जो सप्लाई चेन है वो सब देखना जरूरी है. हाउ डज द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वर्क फॉर देम? ये डू इन्होंने दे हैव देयर लास्ट ईयर सामा और DSG से भी पैसा उठाया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने, दिस इज देयर थर्ड राउंड, ये प्रमोशंस के लिए आया यार यहाँ पे। ये देखो लास्ट ईयर 20, दिस इज 2023 आर्टिकल, June 6th, वेयर दे रेज्ड अ राउंड फ्रॉम फ्लूइड वेंचर्स, एम वेंचर्स एंड राजेश ने, GSF एक्सेलरेटर का पार्ट है ये, ठीक है। DSG कंज्यूमर ने भी पैसा डाला है इसमें, ठीक है। राजेश मेनन फ्रॉम एक्स फ्यूचर ग्रुप हाइपर सिटी ने भी पैसा डाला। हाँ तो दे हैव गॉट गुड बैकर्स ब्रो, देयर इज नो रीजन व्हाई दीज पीपल वुड हैव नॉट पुट इन मनी। ये है ना कहानी, फिर ये क्या यहाँ मतलब पे बस सस्टेनेबल पॉपुलैरिटी के लिए आए हैं आप, तो मार्केटिंग करने. प्रमोशन, प्रमोशन के लिए आए सर ये, और कुछ नहीं। ये तो सारे सारे इनके पास ऑलरेडी, दे हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल फ्रॉम द FMCG इकोसिस्टम।
backing them